गरम पायल रसोई में फिर से स्वागत है आपका। आज मैं बना रही हूँ फिर से मूंग दाल कचौरी। मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए आधा किलो मैदा लिया है। ये मैदा छान के रखा हुआ है। अरे 100 ग्राम मोन के लिए तेल, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। अरे 150 ग्राम ये धुली हुई मूंग दाल है, इसको मैंने 2 घंटे के लिए साफ करके भिगो दिया था। अब इसमें से पानी निकाल लिया है। और 100 ग्राम बेसन, ये नॉर्मल मैदा का आटा तैयार कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक अच्छे से मिल जाए। अब इसमें ऑयल डालते हैं। तेल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये बनने लग रहा है, मतलब मोन इसमें परफेक्ट है। मोन इसमें बिल्कुल कम नहीं डालना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो हमारी कचौरी अच्छी नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं ये आसानी से इस तरह से बन रहा है, इसका मतलब सही है। अब इसको पानी डाल के सॉफ्ट आटा लगा लेते हैं, जैसे रोटी के लिए बनाते हैं, रोटी के लिए जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह से सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। धीरे धीरे पानी डाल के इसमें एक साथ पानी नहीं डालेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये रोटी की आटा की तरह मैंने लगा के तैयार कर लिया है। अब इसको एक पोलोथीन में डाल के रख देते हैं ताकि ये अच्छे से मतलब सॉफ्ट रहे, बिल्कुल आटा हार्ड नहीं होना चाहिए, इस तरह का सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट है। अब इसको एक पोलोथीन में डाल के रख देते हैं इस तरह से लपेट के 5 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम मूंग दाल कचौरी के लिए मसाला बनाते हैं। अब इसको पोलोथीन में डालना नहीं चाहते हैं, या फिर आप गीला कपड़ा करके ढक के रख सकते हैं। अब कचौरी के लिए मसाला तैयार करते हैं। मैंने 1 चम्मच सूखा धनिया लिया है साबुत, 6-7 काली मिर्ची लिया है, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ लिया है। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद कूट लेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कचौरियों में। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसे सूखे मसाला डालते हैं, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बस हल्का ही रोस्ट करना है। ये हल्का रोस्ट हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं, अब दरदरा फूट लेंगे। फिर से पैन रख दिया, आधा करछी लगभग ऑयल डाला है, इस ऑयल को गरम करते हैं। अब हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा जीरा डालते हैं, एक हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है इसे भी डाल देते हैं। अब इसमें बेसन को डाल देंगे, यदि बेसन कच्चा रह जाएगा तो कचौरी अच्छी नहीं लगेगी। अच्छे से बेसन को भूने, बेसन भून जाएगा तो इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी। बेसन अच्छे से भून गया है, अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें खट्टापन के लिए अमचूर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच से भी कम क्योंकि मैं स्पाइसी कम डाल रही हूँ, और इसमें ये जो रोस्ट किया हुआ था ये मसाला डाल देते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा 2 चुटकी काला नमक डाल देते हैं, और इसमें मूंग दाल को डाल देते हैं जो भिगो रखा था। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। गैस को मैंने अभी कम कर दिया है। मसालों को दाल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी गैस का फ्लेम को मैंने अभी हाई कर दिया है। दाल को भी हल्का भून लेते हैं, ये नीचे से थोड़ा सा चिपकने लगा है तो
थोड़ा इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, 2 से 3 चम्मच। इसको बस 2 मिनट के लिए पका लेंगे। मसाला हमारा एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब इसको एक प्लेट में निकालते हैं, फिर इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद एक बॉल्स की तरह तैयार कर लेंगे। मसाला भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको छोटा छोटा बॉल बना लेते हैं इस तरह से। अगर ये बंधने नहीं लगेगा तो थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा भी मार सकते हैं। इसी तरह से सभी को बना के तैयार कर लेंगे। कचौरी बनाना बहुत आसान है। छोटी छोटी बॉल्स भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब मैदे के आटे को चेक कर लेते हैं। अब इसको इस तरह से तोड़ लेंगे, इस तरह से, इसी तरह से बॉल्स तैयार करते हैं। इस तरह से पेड़ा तोड़ लेते हैं, उसके बाद बॉल्स बना लेंगे। पेड़िया भी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको एक कपड़ा से ढक लेते हैं ताकि सूखे ना, और एक एक उठाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा फैला लेंगे, और इसके अंदर ये जो बॉल्स बना रखी थी इसको डाल लेते हैं। और इसको उसी तरह से पैक करना है जैसे पराठे के लिए हम करते हैं, उसी तरह से इसको भी अच्छे से पैक कर लेंगे अंदर। इस तरह से, और ये ऊपर का हिस्सा इस तरह से तोड़ लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से गोल कर लेंगे, उसके बाद इसे दबा लेंगे इस तरह से, और हथेली से थोड़ा सा इस तरह से दबा देंगे ताकि कचौरी हमारी अच्छी फूले। इस तरह से साइड में रखते जाएंगे। फिर से एक बॉल्स लेंगे, इसी तरह से सभी को तैयार कर लें। एक साइड में कढ़ाई में तेल को डाल के गर्म होने के लिए रखा है। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल कम गर्म में कचौरियों पर डालेंगे। तेल को चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही गर्म है। अगर बहुत ज़्यादा तेज गर्म पे डाल देंगे तो कचौरी अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से सीक जाएगी, इसलिए इसी तरह से कम गर्म तेल में डालेंगे। अब कचौरियों को धीरे धीरे सीकने देंगे और ये सीकने के बाद अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। अब गैस का फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और इसमें अभी कलछी नहीं मारेंगे जब तक ये ऊपर ना आ जाए। अगर अभी तुरंत कलछी मारेंगे तो कचौरी फट सकती है। कचौरी हमारी अपने आप ही फूल के ऊपर आने लगी है। कचौरी हमारी फूलने लगी है। अब कचौरियों को धीरे धीरे पलट लेते हैं ताकि दोनों साइड से सीख जाए अच्छे से, खस्ता बने कचौरी, और धीरे धीरे सीखने देंगे तो कचौरी हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसलिए जब भी आप कचौरी बनाएं तो जल्दबाजी ना करें, इसको जितने आप आराम से सीखने देंगे उतनी कचौरी अच्छी बनेगी। कचौरी हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगी है। अब ये बिल्कुल सीखने वाली है और 1-2 मिनट के लिए अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद निकाल लेंगे। कचौरी हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई है, अब इनको बाहर निकाल लेती हूँ। कचौरी हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई है और अच्छे से फूली फूली भी बन के रेडी हुई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।